विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष आरजेडी नेताओं ने जमकर हंगामा किया है, जबरदस्त हंगामा किया है। आरजेडी के साथ माले कांग्रेस समेत तो अन्य विपक्षी विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हंगामा किया। सरकार की तरफ से बजट सत्र में पेश किए गए विशेष पुलिस सशस्त्र विधेयक 2021 के विरोध में विपक्षी विधायकों ने प्रदर्शन किया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस कानून के जरिए बिहार में पुलिस राज लाना चाहती है। आपको बता दें कि फिर से 1 बजे से यानी विधानसभा की कार्यवाही फिर से शुरू कर दी गई। उसके बाद से जब 1 बजे कार्यवाही शुरू हुई सदन की, उसके बाद से हंगामा, आरजेडी नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। आपको बता दें कि जो है विपक्ष है जो है लगातार आरोप लगा रहा है, कई तरह को आरोप लगा रहे हैं, सदन में जमकर हंगामा कर रहे हैं। आपको बता दें कि 1 घंटा के लिए सदन को स्थगित किया गया था, लेकिन 1 बजे से फिर से कार्रवाई शुरू की गई। बिहार शरीफ में किशोर अन्याय परिषद के मजिस्ट्रेट मानवेंद्र मिश्रा ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। दरअसल मामला हिलसा का है, जहां सरस्वती पूजा में शामिल होने गई किशोरी अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। किशोरी के पिता ने 11 फरवरी 2019 को हिलसा थाने में युवक के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद 19 मार्च 2021 को ये मामला अन्याय परिषद पहुँचा। इसी मामले में मजिस्ट्रेट ने महज 3 दिनों के अंदर ही नाबालिग पति पत्नी को साथ में रहने का फैसला सुना है। आपको बता दें कि इससे पहले भी मानवेंद्र मिश्रा कई ऐतिहासिक फैसले सुना चुके हैं। दिनांक 10/2/2019 की है और इसमें सूचक जो है जज बिंद है, और उस दिन सुबह 8 बजे जो है सूचक की पुत्री ट्यूशन पढ़ने के लिए गई और वहीं से एक लड़के के साथ भागकर वो दिल्ली चले गई, और दिल्ली जाकर वो दोनों शादी कर लिए और दिल्ली में ही रहने लगे, और वैवाहिक जीवन से एक बच्ची भी हुई जो वर्तमान में अभी 8 महीने की है। जब केस की जानकारी हुई तो लड़का एवं लड़की दोनों दिल्ली से लौट कर आए, और लड़का जो है अभी से पूरा सेफ्टी होम में है। कड़िया जिले के मैरा गांव में एक अधेड़ व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान इमली टोला के निवासी मोहम्मद सुल्तान के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक डीजल और किरोसिन का व्यापार करते थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मामले के छानबीन में जुट गई है। कल सवेरे में मनसाही थाना अंतर्गत इमली टोला के मोहम्मद सुल्तान की हत्या कर दी गई। इस संबंध में उनके लड़के द्वारा कांड दर्ज कराया गया और बताया गया है कि वह सरसों और मखाना का खेती करते थे। इसी क्रम में जो अनसार है दुल्हासा का निवासी, उसी के द्वारा इसी मैटर को लेकर हत्या कर दिया, और उसके द्वारा यह भी बताया गया है कि वो अन्य उसके साथ अज्ञात आदमी के साथ मिलकर के हत्या की गई है। झारखंड के लातेहार जिले के NH-75 पर सड़क हादसे में एक पुरुष और महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि साइकिल से सड़क पार करने के साथ सड़क पर कर रहे थे, इसी दौरान तेज रफ्तार कार के चपेट में आने से हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। झारखंड के गुमला के बड़ा लोरो गांव में एक वृद्ध दंपति पर डायन बेसाही का आरोप लगाकर गांव से मारपीट कर बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद 82 वर्षीय महिला महली उरांव और 77 वर्षीय बुधनी देवी फगु पंचायत स्थित अपनी बेटी के घर में पिछले 3 सालों से रहने पर मजबूर है। वहीं मीडिया से बातचीत में बुजुर्ग दंपति ने बताया कि गांव के लोगों ने उनकी जमीन हड़पने की नीयत से डायन बिसाही का आरोप लगाकर उन लोगों को गांव से बाहर निकाल दिया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद एक संस्था ने बुजुर्ग दंपति से मुलाकात करते हुए उन्हें अन्याय दिलाने की मांग की। इसके बाद जिले के उपायुक्त ने गठित टीम कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। कड़िया जिला के रोहतारा थाना क्षेत्र में ट्रक और कार में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस घटना में कार में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए कटिहार मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया।
मार्च महीने में टैक्स वसूली का लक्ष्य हासिल करने के लिए अब एक बार फिर वाहन चेकिंग अभियान की शुरुआत होने जा रही है। 25 मार्च से पटना में विशेष वाहन चेकिंग अभियान की शुरुआत होगी। इस अभियान में लाइसेंस, हेलमेट, सीट बेल्ट समेत अन्य नियमों को तोड़ने वालों पर जुर्माना लगेगा। इसके अलावा बगैर परमिट के ऑटो और टेम्पो चलाने वालों पर भी पटना की ट्रैफिक पुलिस की कड़ी नज़र रहेगी। यह अभियान 25 मार्च से अगले 10 दिनों तक जारी रहेगा।